शासन जहां आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त राहत राशि होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर रायसेन जिले के ककरुआ गांव में पूरन ठाकुर का मकान आग से जले द्वारा 3 माह बीत गए, लेकिन उन्हें आज तक राहत राशि नहीं दी गई। आपके यहाँ क्या घटना घटी और कैसे घटी? हम तो बेगमगंज गए थे, बेगमगंज से आए बाद ना, तो रोटी खा के सो गए थे 10 बजे रात के, और वो तो 2:30-3 बज रहे थे जी। मोड़ी मोड़ा उठे तो उनने खपड़ों में सो उजियाला देखा, जब उजियाला देखा तो यहाँ आग लगी, फिर हम लोगों को जगाया, हम लोगों ने गांव वालों को बुलाया, और जहाँ आग लगी थी वहीं गज्जा बंदी थी, सब लोग आ गए अपने अपने घर से पानी लेके, उनने आग बुझाई। इस घटना से आपका क्या नुकसान हुआ? हमारी गाय जल गई और कपड़ा फूट गए, मलगा जल गए, भूसा जल गया, लकड़ी कंडा बहुत सारी चीज़ें जल गई। हमारे पास ना पैसा है ना कुछ है, अब बच्चों को पाले कि हम मकान बनाए, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। सरकारी विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई? तहसील गए थे तो तहसील कागज लेकर गए, तहसीलदार ने मार्क करके पटवारी साहब दे दे, पटवारी साहब इंक्वायरी करने आए तो उन्हें इंक्वायरी करके गांव वालों को पंचनामा बना के गांव वालों के शान करवा के और वो ले गए। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हम मकान बन जाए हमारा, हमारे पास कोई लगत नहीं है ना कोई पैसा है, हम बच्चों को पालने में लगे हुए हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, अगर उस शासन से मदद मिल जाए तो थोड़ा सा मकान बना ले। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप हमारे बेगमगंज ब्लॉक के नायब तहसीलदार जिनका मोबाइल नंबर 9425005996 इस नंबर पर कॉल करें, जिससे पूरन ठाकुर को राहत राशि मिल सके। मैं संगीता ग्राम ककरुआ विकास खंड बेगमगंज जिला रायसेन से इंडिया अनहट के लिए।